वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैसिटी प्रॉपर्टी गुरु। गाइज, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी अपने अपने घरों को लेकर एक डिफरेंट जो है वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उनका घर कैसा होना चाहिए। तो आप लोगों की डिमांड्स को मद्देनज़र रखते हुए हम बनाते हैं बहुत सारी वीडियोस। लाइक आपको हमारी वीडियोस में विलाज, फ्लोर्स, प्लॉट्स, सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, एंड वो भी आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ 125 सेक्टर मोहाली में, जहाँ पर मैं आपको एक 150 गज का विला दिखाने वाली हूँ। गाइज, बहुत ही सुंदर सा विला है। पहले आप बाहर से एलिवेशन देख लें एक बार विला का। बाहर से आप देख सकते हैं ये 4 BHK विला है, एंड बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। विला में आपको अंदर ले जाने से पहले हम कुछ ज़रूरी बातों के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं आज की हमारी लोकेशन की, 125 सेक्टर मोहाली है, ये आपके मेजर हाईवे PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड के साथ कनेक्टेड है। लाइक इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, ये ऐसी लोकेशन है जहां से आप न्यू चंडीगढ़ के लिए, लांड्रा के लिए, कुराली के लिए ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कहीं भी जाना है आप यहां से ईजिली जा सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपके एंटरटेनमेंट जोन आ जाते हैं, एजुकेशन रिलेटेड फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ आ जाती हैं। तो सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पे नियर बाय में मिलने वाली हैं। लाइक यहाँ पे नज़दीक में आपका VR मॉल आ जाएगा, हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, स्कूल्स आ जाएंगे, कॉलेजेस आ जाएंगे। लाइक आपको सारी चीज़ें यहाँ पे नियर बाय में मिलने वाली हैं। तो आइए अब चलते हैं अंदर, एंड हमारा आज का विला का टूर शुरू करते हैं। एंट्री में ही आपने एलिवेशन तो देख ही लिया है, आप बाहर यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ड्राइव थ्रू मिल जाता है, जहाँ पे आप अपनी गाड़ियों की पार्किंग कर सकते हैं, एंड पार्किंग अंदर भी आपके लिए अवेलेबल है। तो ये गेट आ जाएगा जहाँ से आप अंदर एंटर कर सकते हैं। पहले आप स्पेस देख लीजिए, अंदर भी आपके लिए कितना ज़्यादा स्पेस दिया गया है। यहाँ पे इजीली आपकी लाइक 3 गाड़ियाँ आराम से पार्क हो सकती हैं आपकी, इतना ज़्यादा स्पेस यहाँ पर दिया गया है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी स्पेस दिया गया है, लाइक एक हिडन स्पेस बनाया गया है, जहाँ पर आप लाइक आपकी जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप घर के अंदर नहीं ले जाना चाहते, तो वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। एंड कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है, तो एक तरीके से ये आपका यूटिलिटी एरिया भी बन जाता है। एंड यहाँ पे आप छोटा सा एक गार्डन भी बना सकते हो, जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे प्लांट्स लगाए गए हैं, तो आप इनको इनक्रीज़ भी कर सकते हो और भी ज़्यादा प्लांट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। सो ये आ जाती है हमारे विला की मेन एंट्री, जहाँ पे पहले ये वॉल आ जाती है। आप पहले ये वॉल देख लें, जिस पे वुडन वर्क कर रखा है, लाइटिंग ऐड कर रखी है, बहुत ज़्यादा सुंदर इसको बना रखा है। ऊपर आप देखेंगे पूरा फॉल सीलिंग आ जाता है विद LED लाइट्स, एंड यहाँ पे आ जाता है हमारा मेन डोर। गाइज, ये डबल स्टोरी विला है, तो लाइक आपके जो अपर फ्लोर है उससे आप स्टेयरकेस से यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, जिसका फ़ायदा आपको ये हो जाता है, अगर आपको आपका अपर फ्लोर रेंट आउट करना है तो आप उसको कर सकते हो, आपकी प्राइवेसी में उससे कोई इशू नहीं आने वाला है। यहाँ से एंट्री करेंगे हम अंदर, यहाँ पे 2 डोर मिल जाते हैं आपको। सबसे पहले मास्ट डोर मिल जाता है, उसके बाद ये मेन डोर आ जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा वुडन डोर। यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं घर में। सो दिस इज़ आ ब्यूटीफुल विला। यहाँ से एंट्री करके सबसे पहले मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आ जाता है किचन, पूरा मॉडर्नर किचन है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन करा गया है पूरे किचन को ही। टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिकेशन, अपर कैबिनेट सारे हाइड्रोलिक ओपनर के साथ आ जाएंगे। यहाँ पे आपका कुकिंग काउंटर आ जाएगा ग्रेनाइट का, एंड आपके लोअर कैबिनेट्स जो हैं वो सॉफ्ट क्लोजर के साथ आएंगे, जैसे आप देख सकते हैं। एंड डिफरेंट साइज के कैबिनेट्स दिए गए हैं, लाइक आपका सारा सामान यहाँ पे इजीली आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे डुअल सिंक आ जाएगा, एंड विंडो भी दिया गया है फॉर द वेंटिलेशन एंड लाइटिंग पर्पस। आप यहाँ से देख सकते हैं आपके गेट पे कौन है, लाइक मल्टीपल वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना रेफ्रिजरेटर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे आप गाइस, इस स्पेस को ना इन्होंने एज अ ब्रेकफास्ट काउंटर यूज़ कर लिया। आप यहाँ पे चेयर लगा के इसको अपना ब्रेकफास्ट टेबल भी बना सकते हैं, लाइक वहाँ पे गरम गरम खाना बन रहा होगा, आप यहाँ पे खड़े होके भी खा सकते हैं, बैठ के भी खा सकते हैं। तो ये है हमारा किचन, एंड किचन के इस साइड आ जाएगा हमारा फैमिली लॉन्च, लाइक ड्राइंग डाइनिंग कम्प्लीट आ जाएगा आपका। जिस साइड यहाँ पे आप अपना सिटिंग स्पेस बना सकते हैं, ये ड्राइंग एरिया आ जाएगा, जहाँ पे आप पॉपकॉर्न फाइट अपनी फैमिली के साथ कर सकेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकेंगे। इजीली आपका 10-12 सीटर सोफ़ा आराम से यहाँ पे लग जाएगा, जहाँ पे आप ये बड़ा सा विंडो भी देख सकते हैं फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन पर्पस।
अभी भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रोशनी यहाँ से आ रहा है, तो आपको लाइटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला अगर आप लाइट्स ना भी जलाओगे तो। यहाँ इस साइड आप ये वॉल देखेंगे कितना ब्यूटीफुली ब्यूटीफुल टेक्सचर इस वॉल में ऐड किया गया है। अगर आप इन बॉक्सेस के अंदर लाइक पेंटिंग्स भी ऐड करेंगे ना गाइज, ये बहुत सुंदर लगने वाला है। ऊपर आप फॉल सीलिंग पूरा देखेंगे, वुडन का यूज़ किया गया है, लाइटिंग का यूज़ किया गया है, बहुत सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है पूरा। एंड यहाँ पे ये पार्टीशन बताना मैं आपको भूल गई, आपके ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया को इस ब्यूटीफुल से वुडन पीस से जो है वो सेपरेट किया गया है, विच इज़ लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। लाइक आपके ड्राइंग एरिया को एंड डाइनिंग एरिया को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक ये दे रहा है। कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। एंड यहाँ पे आ जाएगा एलईडी पैनल, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एलईडी पैनल। यहाँ पे बस आपको अपना एलईडी लाना है, लगाना है, एंटरटेनमेंट इंजॉय करना है। एंड यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है, लाइक आप डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, अपने डाइनिंग एरिया ड्राइंग एरिया को और भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हो। तो ये था हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। लाइक यहाँ पे आप पूरा ही देख लीजिए, फॉल सीलिंग इस साइड भी दिया गया है आपका पूरा, लाइटिंग भी ऐड करी हुई है, ये भी आपको एज इट इज़ मिलने वाली है। अब चलेंगे हमारे रूम्स की तरफ, तो हियर कम्स आवर फर्स्ट बेडरूम। सो ये आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम विद ब्यूटीफुल वॉलपेपर, ये आपको एज इट इज़ यहाँ पे मिलने वाला है। ऊपर आप देखेंगे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का फॉल सीलिंग इन्होंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, जिसमें वुडन वर्क भी यूज़ किया गया है। यहाँ पे आ जाएंगे आपके कबर्ड्स विथ स्लाइडिंग डोर्स, एंड बहुत ज़्यादा स्पेस है गाइस, कबर्ड्स में आपका सारा स्टफ इजीली आ जाएगा इनमें, लाइक ऊपर भी आप स्पेस देख सकते हैं इसमें। इस साइड आ जाएगा एलईडी पैनल जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप अपना एलईडी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। आप नीचे यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपके स्टोरेज के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है। ये आपका विंडो आ जाएगा रूम में यहाँ पे फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन पर्पस, जहाँ पे बाहर आपका यूटिलिटी एरिया आ जाएगा जिसका एक्सेस आपके दूसरे रूम से, तो मैं वहाँ से आपको दिखाऊंगा। हियर कम्स योर वॉशरूम, जहाँ पे सारी फिटिंग्स हम आपको करके देंगे, एंड वॉशरूम में आपके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो भी प्रोवाइडेड है। सो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, अब चलेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम में। सो हियर कम्स आवर सेकेंड बेडरूम, अगेन यहाँ पे भी आपके लिए वॉलपेपर प्रोवाइडेड है इस वॉल पे आप देखेंगे, एंड यहाँ पे वुडन का यूज़ करके लाइक काफ़ी सुंदर इस वॉल को इन्होंने बना दिया है। इसमें भी आप पूरा फॉल सीलिंग ऊपर देख सकते हैं, एलईडी लाइट्स यूज़ करी गई हैं, वुडन का यूज़ किया गया है, अगेन बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाया गया है। यहाँ पे आपके कबर्ड्स आ जाएंगे अगेन विद स्लाइडिंग डोर्स, यहाँ पे भी बहुत लाइक काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े कबर्ड्स दिए गए हैं, लाइक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड गाइज यहाँ पे ना ड्रेसिंग टेबल भी, उस रूम में भी था शायद, मैं आपको बताना भूल गई, तो यहाँ पे ना आपका ड्रेसिंग टेबल भी दिया गया है, लाइक विद मिरर रहेगा ये, आप यहाँ पे अपना सजना संवरना कर सकते हैं। एंड यहाँ पे नीचे स्पेस दिया गया है जहाँ पे आप अपना मेकअप वैनिटी वगैरह स्टफ जितना भी होता है वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो अपना। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके यूटिलिटी एरिया का एक्सेस, लाइक काफ़ी स्पेशियस यूटिलिटी एरिया दिया गया है आपका, आप अपना वॉशिंग वगैरह का जितना भी काम है वो सारा यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे टैप्स के लिए भी स्पेस है आप देख सकते हैं, एंड ऊपर आप देखेंगे ना वेंटिलेशन के लिए पूरा ओपन छोड़ा गया है, आपके टेरेस तक ओपन है ये पूरा। सो इसी के साथ हमारे ग्राउंड फ्लोर का टूर कंप्लीट होता है, अब हम चलेंगे हमारे अपर फ्लोर पे। तो आप स्टेयरकेस का यूज कर सकते हैं आपके अपर फ्लोर पे जाने के लिए। सो ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे पहले आप ये बैल्कनी देख लें, लाइक बाहर भी स्पेस दिया गया है बहुत ज़्यादा, आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं पूरा, देख लें एक बार। एंड यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे स्पेस दिया गया है, लाइक आप बैठना वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, बारिश इंजॉय कर सकते हैं, धूप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरे वॉल पे जो है वुडन का यूज़ किया गया है, लाइटिंग ऐड करी गई है, सुंदर इस वॉल को बना रखा है। एंड यहाँ पे आ जाएगी एंट्री हमारे फर्स्ट फ्लोर के लिए, अगेन यहाँ पे भी आपको मैश डोर मिल रहा है, एंड आपका मेन डोर आ जाता है यहाँ पे वुडन का। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है आपका, इस साइड किचन आ जाएगा,
अगेन विद हाइड्रोलिक ओपनर एंड यहाँ पे ग्रेनाइट का कुकिंग काउंटर आ जाएगा। लो कैबिनेट सॉफ्ट क्लोजर के साथ रहेंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा वेट सेक्शन जहाँ पे डुअल सिंक आ जाएगा। अगेन वेंटिलेशन के लिए विंडो भी प्रोवाइडेड है एंड गाइस आपके गीजर के लिए, आपके आरओ के लिए, सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे स्पेस प्रोवाइडेड है अगेन। एंड यहाँ पे ना एंट्री में आप ये पार्टीशन देखिए एक बार, कितना ज़्यादा सुंदर तरीके से किचन का जो एंट्री है उसको डेकोरेट कर रखा है इस पार्टीशन के साथ। एंड कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। अगेन पहले यहाँ पे आ जाएंगे, ये है ड्राइंग एरिया। अगेन यहाँ पे आपका ये वॉलपेपर आ जाएगा, ब्यूटीफुल सा आपको एज इट इज़ मिलेगा। ये ऊपर फॉल सीलिंग देख सकते हैं आप, ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाया गया फॉल सीलिंग का, जिसमें वुडन का यूज़ करा गया है, लाइटिंग का यूज़ करा गया है। एंड यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए एंड लाइट के लिए विंडो आप देख सकते हैं, जहाँ से प्रॉपर लाइट जो है आपके ड्राइंग एरिया में आती रहेगी। एंड आपके ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया को जो पार्टीशन कर रहा है वो ये ब्यूटीफुल सा वुडन पीस है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आ जाएगा LED पैनल, जहाँ पे आप अपना LED इंस्टॉल कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट का मज़ा ले सकते हैं। एंड यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक काफ़ी बड़ा डाइनिंग टेबल आपका यहाँ पे आ सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। एंड यहाँ आ जाएंगे हमारे दोनों रूम्स, लाइक पहले यहाँ पे चलेंगे हम, ये आ जाएगा हमारा थर्ड बेडरूम। अगेन यहाँ पे भी आपको वॉलपेपर प्रोवाइडेड रहेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, ऊपर फॉल सीलिंग विद वुडन वर्क, LED लाइट सारा प्रोवाइडेड रहेगा आपको। यहाँ पे भी आपके कबर्ड्स आ जाएंगे विद स्लाइडिंग डोर अगेन। एंड इस साइड ड्रेसिंग एरिया आ जाएगा, जहाँ पे अंदर भी स्पेस प्रोवाइडेड है आपके लिए एंड मिरर आपको लगा हुआ मिलेगा, नीचे भी आपके स्टफ के लिए स्पेस प्रोवाइडेड है। एंड यहाँ पे आ जाएगा LED पैनल, एज इट इज़ रहेगा, आपको अपना LED ला के बस इंस्टॉल करना है यहाँ पे। एंड यहाँ आ जाएगा वेंटिलेशन एंड लाइटिंग पर्पज़ के लिए विंडो। एंड हियर कम्स द वॉशरूम, जो आपको सारी ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ मिलने वाला है, सारा टाइल वर्क पूरे वॉशरूम में प्रोवाइडेड है। एंड यहाँ आ जाएगा हमारा लास्ट एंड फोर्थ रूम। अगेन यहाँ पे भी आपको बहुत ही सुंदर सा वॉलपेपर दिया गया है, लाइक पूरे घर में आपको वॉलपेपर प्रोवाइडेड रहेंगे। एंड ऊपर आप यहाँ पे भी फॉल सीलिंग देख सकते हो विद LED लाइट्स एंड पूरा वुडन वर्क किया गया है। लाइक गाइज मैं बोलना चाहूँगी कि पूरे ही घर में जो फॉल सीलिंग है ना, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया है उन्होंने। एंड यहाँ पे कबर्ड्स आ जाएंगे विद वेरी वेरी गुड स्पेस। एंड यहाँ पे आ जाएगा LED पैनल, अगेन बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर रखा है, एज इट इज़ मिलने वाला है आपको ये, जहाँ पे आप अपना LED लगा सकते हैं, नीचे भी स्पेस दिया गया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आ जाएगा स्पेस लाइक आपकी बालकनी, सो ये आपको यहाँ पे भी बालकनी मिल रही है एंड यूटिलिटी के लिए भी आपको स्पेस मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टैप जो है वो प्रोवाइडेड है, तो आप बाकी चीज़ें भी यहाँ पे कर सकते हो। सो ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर। अब इसके बाद हमारे पास रूफ टॉप भी है अभी देखने के लिए, तो हम रूफ टॉप पे चलेंगे। ये आ जाएगा हमारा टेरेस, आप यहाँ पे भी स्पेस देख लीजिए, कितना ज्यादा स्पेस प्रोवाइडेड है आप देख सकते हैं यहाँ पे, लाइक बहुत सारी जगह है आपके लिए यहाँ पे टेरेस में घूमने के लिए या बहुत सारी चीजें करने के लिए, लाइक आप छोटी मोटी गैदरिंग इस टेरेस पे कर सकते हो, इतना ज्यादा स्पेस है यहाँ पे। सो गाइज, अब हमारे 150 गज के विला का टूर कंप्लीट हो चुका है। आपको ये विला कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मे से पूछेंगे, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है ये विला एंड लाइक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती है, कनेक्टिविटी आ जाती है, लोकेशन आ जाती है, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं एकदम। तो अगर आपको ये विला बाय करना है या फिर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।